नमस्कार, मैं विलास उर्कड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले की लांता से अतिवृष्टि वर्षा से ढहे पांच मकान, प्रशासन ने गरीबों को ठहरने की व्यवस्था। गत दिवस रविवार को चांगुटोला क्षेत्र में अतिवृष्टि वर्षा होने से दो तीन दिन पंचायत में गरीबों के आशियाने ढह चुके। गत रविवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लगातार 2 घंटे छेदवार तेज बारिश होने से चांगुटोला क्षेत्र के ग्रामीण जनताओं का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि जंगलों का पूरा पानी ग्रामीण के घरों में घुसा, जिसके खाने पीने जैसे दैनिक जरूरत में आने वाली सब वस्तुएं खराब हो चुकी है। समय रहते सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी बालाघाट सोनी जी, तहसीलदार, राजस्व मंडल निरीक्षक पटवारी एवं पंचायत विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ममता कुलस्ते, विभागीय अधिकारी आरईएस जगह में पहुंचकर स्थल का मुआयना कर मकानों से सामान निकालने की हिदायत दी, जिस पर ग्रामीणों द्वारा जितना जरूरत का सामान निकाल सके निकाला गया। देखिए पूरी खबर लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। दीपचंद ठाकरे ग्राम टीकाधारी स्थायी पटेल है और जनपद सदस्य क्रमांक 3 के जनपद प्रतिनिधि है। आज आपके पंचायत से अगला मीटर में अधिक बारिश होने के कारण एक तालाब टूट चुका है, उस संबंध में क्या बोला था? क्या है, हम सुबह 9 बजे करीब जब गए, बारिश अधिक होने से खामटुला के वहाँ अमाड़ा घाट है, वहाँ पूरा जंगल का पानी आता है और उसका जो छाटा जो है वो बार जो है कुछ टूट जाने से, अधिक बारिश होने से पानी का बहाव जो है हिंदूटोला साइड होने से जो है हरिराम जी मेसराम जो है जिनका मकान और खेत लगा हुआ है और PWD रोड है, स्टेट हाईवे रोड है, उससे लगा हुआ है और वहाँ पे पानी जाने की रास्ता मात्र एक ही मोंग है। वहाँ 2 मोंग की यदि व्यवस्था होती तो उनके मकान के अंदर पानी नहीं जाता। उनके मकान में करीब 3 फीट पानी भरा हुआ था और वहाँ पर सब सामान और उन लोगों को वहाँ पर सब खाली करवाया गया और वहाँ पे चांगुटोला ग्राम पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत से CO मैडम भी आई थी और ADM साहब भी थे, उनके मार्गदर्शन में वहाँ पे जो है सब व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया गया और मोंग के वहाँ पे जो कचरा जो था, झाड़ी जो थी, उसको भी 4 लेबर लगा के जो है सफाई किए। वहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि भी थे, हम लोग भी सभी लोग थे और वहाँ से जो है अभी ग्राम टीकाखारी आए हैं। ग्राम टीकाखारी में देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर।